हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 10 क्रिया यानी भाग क्रिया पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, ये है आपके पाठ 10 क्रिया। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। नीचे दिए गए हैं कुछ चित्र, दिए गए बने हुए हैं, उसमें वाक्य लिखे हुए हैं, तो इसको देखना है और पढ़ना है। नदी बहती है, ये नदी का चित्र है, बह रही है तो बहने का काम करिए। तो नदी बहती है, हवा चल रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मुर्गी लिख रही है, खरगोश दौड़ रहा है, अंकुश पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, माता जी खाना बना रहे हैं, रजत नहा रहा है। तो ये नीचे चित्र दिए गए हैं जिसमें जो शब्द कुछ दिए हुए हैं, रंगीन शब्द है, उसको पढ़ना है, ध्यान देना है उस पर। तो इसमें ये जो लिखे हुए रंगीन शब्द है उसको ध्यान दीजिए और अब नीचे जानकारी दीजिए। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अतः ये क्रिया शब्द है। तो इन रंगीन शब्दों से किसी कार्य का होने का पता चल रहा है, तो यही क्रिया है। जैसे कि नदी, नदी तो है नदी, लेकिन क्या कर रहा है, नदी बहने का काम कर रहा है। हवा क्या है, चलने का काम कर रहा है। पक्षी आकाश में उड़ने का काम कर रही है, पूर्वी लिखने के काम का काम कर रही है, खरगोश दौड़ रहा है तो दौड़ने का काम कर रहा है, अंकुश पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने का काम हो रहा है, यहाँ पे माता जी खाना बना रही है तो ये खाना बनाने का काम हो रहा है, रजत नहा रहे हैं तो ये नहाने का काम हो रहा है। तो ये जितने भी रंगीन शब्द है उनसे किसी न किसी कार्य होने का पता चल रहा है कि वो काम हो रहे हैं। तो ये शब्द क्या हो गए, क्रिया हो गए। इन्हें क्या कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे, क्रिया कहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा पता चल रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। अब यहाँ परिभाषा में जान लेते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य काम का होने होना करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इतना तो आप जान गए। अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे तो ये काम क्या हो जाएगा, लिखने का काम, तो वो क्रिया हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो पढ़ाना क्रिया होगा, पढ़ाने का काम होगा क्रिया। तो इसी तरह यहाँ पे नदी, हवा, चिड़िया उड़ने का, लिखने का, दौड़ने का, पढ़ने का, खेलने का, बनाने का, खाना बनाने का, नहाने का, ये सभी क्रिया है। तो ये सभी काम हो रहे हैं तो ये क्या हो गए, क्रिया हो गए। अब यहाँ अब तक जो सीखा में आते हैं, अब तक जो सीखा, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो ये जो हो गए आपके अब तक जो हमने सीखा, अब अभ्यास कर लीजिए। अब पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाओं को छांटकर दी गई रेखा पर लिखिए। तो यहाँ वाक्य है जिसमें से क्रिया शब्द को छांटकर यहाँ हमने लिखा है, जो यहाँ पे इस प्रकार है। तो पहला वाक्य है, बिल्ली मेज पर बैठी है। तो बिल्ली क्या काम कर रही है, कौन सा क्रिया कर रही है, तो बैठना, बैठने का काम कर रही है, तो बैठना, यहाँ पे बैठना क्रिया हो गया, क्रियाओं को छांट, क्रिया शब्द को छांटना। और ख में गाय घास खाती है, तो खाना यहाँ पे क्रिया हो गया, जो कि घास खा रही है, गाय घास खा रही है। और ग में है लड़की नाच रही है, तो लड़की क्या काम कर रही है, नाचने का, तो नाचना हो गया। अब यहाँ ख में वर्षा हो रही है, तो इसमें वर्षा का होना क्रिया शब्द हो गया, दूसरा। अब दूसरा प्रश्न है, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो सही क्रिया शब्द दिए हुए हैं पोस्ट में, उन्हीं में से चुनकर वाक्य में भर के वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है क, दूसरे का क हो गया, चालक गाड़ी खाली जगह था, तो इसमें हमने बोला चला रहा है, चालक यानी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ख
हम है विजय कपड़े पहनता है और ग में पिताजी कॉफी पीते हैं। जो जो शब्द भरा हुआ है इसमें इसके नीचे लाइन खींचा हुआ है वही शब्द इसमें से हमने चुन के लिखा। और ग में रेलगाड़ी छूट गई तो क्या हो गया, हमने छूट भरा है तो ये हो गया वाक्य आपके पूरे। क हो गया चालक गाड़ी चला रहा है, ख हो गया विजय कपड़े पहनता है, ग हो गया पिताजी काफी पीते हैं, घ में रेलगाड़ी छूट गई। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का वाक्य पूरा करना है क्रिया शब्द से। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है निम्न क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्न क्रिया शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है तो यहाँ पे क में है उठना, उठना शब्द है जिसको वाक्य मिलाकर पूरा करना है। का उठना मैं रोज सुबह उठता हूँ तो मैं रोज सुबह उठता हूँ ये वाक्य हो गया आपके उठना शब्द आपका लग गया यहाँ पे। ख घूमना मैं घूमने जा रहा हूँ ये हो गया आपके वाक्य। ग में हो गया भागना शब्द है, भागना शब्द से हमने वाक्य बनाया चोर भाग गया तो हमने शब्दों को लेकर वाक्य बनाया ये तो आपके हो गए पूरे। अब यहाँ 47 प्रश्न का 47वां है चित्र में होने वाले क्रिया को वाक्य के रूप में लिखिए। चित्र में क्या हो रहा है इसको वाक्य देखकर वाक्य बनाना है तो इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। ध्यान दें चित्र में क्या है, एक लड़का है जो कि पतंग उड़ा रहा है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है चाहे लड़का पतंग उड़ा रहा है तो लिखेंगे क्या वाक्य में लिखेंगे आप जगह बने हुए हैं इसमें लिखेंगे लड़का पतंग उड़ा रहा है। उसी तरह लड़की गाना गा रही है तो क्या कहेंगे गाना पे है तो गाना कहते हैं लड़की गाना गा रही है। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे करेंगे कुत्ता भौंक रहा है, लड़का चाहे रमन साइकिल चला रहा है चाहे लड़का साइकिल चला रहा है यहाँ पे लिखेंगे लड़की खाना बना रही है। तो जो जो यहाँ पे क्रिया हो रहे हैं उनसे वाक्य बनाना है तो इसमें आप गृह कार्य में बनाएंगे यानी होमवर्क में बनाएंगे। अब रही बात कि आपके सिलेबस के अनुसार कोर्स कंप्लीट हो गया हाफ ईयरली तक का, जो कि हाफ ईयरली तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप इसको इसी में से पढ़ेंगे यहाँ तक ही और इसी में से एग्जाम में प्रश्न उत्तर आएंगे और इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।